जागीरदार हिकमत के उन आदमियों ने जो तेरे अब्बू को रस्सियों से बांध कर ना जाने कहां ले गए हैं। न जाने उस सालिम ने तेरे अब्बू के साथ क्या सलूक किया होगा। समझा बाबा, अपनी बेटी को समझा। मुझे ये शराफत का दर्श देना बंद कर दे। तुझसे कई बार कहा है बेटी कि इसे मत उठाकर, ये जो करता है इसे करने दे। कैसे करने दूं? अगर आपको कुछ हो गया तो इस नन्ही सी जान का क्या बनेगा जिसने मेरे वजूद में सांस लेना भी शुरू कर दिया। आज तक आपने मेरी बात नहीं मानी, इसकी खातिर उतार दीजिए डाकू का ये लिबास, छोड़ दीजिए ये जिंदगी जिसका हर पल मौत के साए में गुजरे। नहीं छोड़ सकता मैं, नहीं जुदा कर सकता मैं अपने आप को उससे। वैसे भी तू फिक्र मत कर, कानून के बारूद खाने में कोई अभी तक ऐसी गोली नहीं बनी जो कुंदन का सीना चीर सके। ने खुद पे लोहे का गलाफ चढ़ा रखा है जो आज तक आपकी गोलियां उसके सीने को नहीं छू सकी। कुंदन एक ऐसा तूफान है सर, जिसकी आमद पर हर तरफ अंधेरा सा छा जाता है। उसके जाने के बाद हमें टूटी हुई तिजोरियों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। पुलिस ऑफिसर्स को ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी इन्हीं गफलतों की वजह से हमने चीफ मिनिस्टर के भाई खाकान के सोने को महफूज मुकाम तक पहुंचाने के लिए डिप्टी रंधावा का इंतखाब किया है। तो फिर जिले की डिसाइड, कुंदन डाकू के दिए हुए वक्त को खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। घबराइए मत खाकान साहब, मेरे साथ इस पुख्ता यकीन के साथ चले। रंधावा की हिफाजत में जाने वाले सोने को कुंदन डाकू नहीं लूट सकेगा। हमें तुम पर भरोसा है डिप्टी रंधावा। तेरे आज के डाके ने साबित कर दिया है कि तुझ जैसा बहादुर, निडर और शहजोर बेटा इस धरती पे पैदा ही नहीं। ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है बाबा। आपने बचपन में मेरे सर पर शफ़क़त का हाथ रखकर मुझे उन तूफानों से खेलना सिखाया है जिनके थपेड़े खाता खाता मैं आप तक पहुंचा था। ये बताइए बाबा, जन्नत कैसी है? आज के डाके की खुशी में मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, तेरे बाद तेरी जन्नत के आंगन में एक ऐसा फूल खिला है जिसने मुझे नाना और तुझे बाप बना दिया है। बाप पैदा क्या हुआ है? बेटी नहीं, नहीं चाहिए मुझे बेटी। जानती हूँ तू रहम करने वालों में से नहीं है, लेकिन ये माँ तुझे अपनी बेटी तक नहीं पहुंचने देगी। अच्छा मेरे रास्ते से जन्नत, वरना इसके साथ मैं तुझे भी मार दूंगा। हट जा। मरते हुए उसी दिन गई थी
जिस दिन एक डाकू के घर पैदा हुई थी और दूसरे डाकू के साथ मेरा ब्याह हुआ था। जिंदगी जिंदगी तो मुझे मां बनने के बाद मिली है, जिसे छीनना तेरे बस में नहीं है कुंदन, नहीं है। तू समझती क्यों नहीं है जन्नत, तू समझती क्यों नहीं है कि वो आग है जो भड़क उठी तो कुंदन को जलाकर राख कर देगी। ये आग नहीं, रहमत है खुदा की। रहमत नहीं, जहमत है बेटी मेरे लिए। बेटी जहमत होती तो खदीजा तुलकुबरा के घर पैदा ना होती। बेटी जहमत होती तो रसूले खुदा का सीना उसका बिछौना ना बनता। बेटी जहमत होती तो सरदार अंबिया खड़े होकर उसका एहतराम ना करते। आज पता चला है तू डाकू होने के साथ साथ मुनकरे दीन भी है, मुनकरे रसूल भी है, मुनकरे खुदा भी है।